सुनो, भैया सुमा इससे प्यार करती है। जब तुम ये बात जानते थे तो फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, बताओ। मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। ऐसी बात करने के लिए मौके का इंतजार किया जाता है? अगर इसकी जगह कोई और होता ना भैया, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। लेकिन इसकी जान के साथ सुमा की जिंदगी भी जुड़ी है। फैसला जो भी हो, नुकसान हमारी सुमा का ही होगा। लेकिन इसकी वजह से कुमार और चंदू की जाने गई हैं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया इसे माफ कर दो। मैं इसे माफ कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं अहिंसावादी बनकर अपना दूसरा गाल पेश कर दूं? मैं अपना प्यार तो खो चुका हूं भैया, पर इसके प्यार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। राम, जन्म से कोई भी इंसान मुजरिम नहीं होता भैया। उसी तरह यह जन्म से आपका दुश्मन नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे आपको मारने के लिए पैदा नहीं किया। गलती करना इंसान की फितरत है, और उस गलती को भुलाकर सुधरने का मौका देना गांव के मुखिया का धर्म है। मैं नहीं कहता कि आप उस पर भरोसा करें, लेकिन मुझ पर तो कर सकते हैं। हमारी बहन के साथ शादी करके ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। टूटे सपने जोड़े नहीं जा सकते, लेकिन बुरे आदमी अच्छे बन सकते हैं। मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा आपको। क्या जरूरत है इसे बदलने की? इस पर भरोसा करके हम पहले ही धोखा खा चुके हैं। उससे बढ़कर चोट पहुंची हमारी बहन के दिल को। ये एक जहरीला बीज है, मिटा देना होगा इसे, वरना फसल जहरीली हो जाएगी। भैया आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आपने हिंसा को चुना और मैंने आपको, मगर हिंसा से ज्यादा प्यार में ताकत होती है। संध्या की ऐसी हालत देखकर मैं हर पल घुट घुट कर जी रहा हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि सुमा को भी मेरे तरह मर मर के जीना पड़े। यही मकसद है मेरा। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे एक मौका मांग रहा हूं। मौका लेकर क्या कर लोगे तुम? इसे सुधार कर हमारी बहन से शादी करवा दोगे? और अगर ये शादी करके भाग गया तो हमारी बहन का क्या होगा? और अगर ये घर जवाई बनकर हमारे साथ रहा तो बलवंत राय इसे मरवा देगा। तब सुमा को सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। जैसे भी देखो, ये जीने का हकदार नहीं है, इसे मरना ही होगा। भैया आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हमने दूसरों को नहीं मारा? क्या इस वजह से कभी भाभी ने आपको छोड़ा? क्या आपकी इंसानियत खत्म हो गई? इसलिए हमारी बहन को सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मुझे अपनी बहन से ज्यादा गांव वालों की खुशियां प्यारी हैं। इसे मौका देकर मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। शादी करा के मैं इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। हाँ, अगर तुम मौका देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन तब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। Oh,
हम राम लक्ष्मण जैसे साथ रहने वाले भाइयों को तुम्हारी गलती की वजह से अलग होना पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म से जान जुदा हो रही है। तुम्हारी वजह से देवता जैसे भाई और देवी जैसी भाभी से दूर हो रहा हूं। तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ मेरी बहन की वजह से, मुझे वापस से स्वर्ग जैसे घर में लाने के लिए और मेरे भैया से मिलाने के लिए तुम्हें बदलना होगा। अगर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो उसे सच करके दिखाओ। मेरी इस कुर्बानी की लाज अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अब अगर तुमने कोई गलती की तो मैं बलवंत राय के गांव को शमशान बना दूंगा और उसकी शुरुआत तुम्हारी मौत से होगी। फैसला तुम करो। रतन, आज हम जश्न मनाएंगे। राम अपने भाई से अलग हो गया, आज तो खुशी का दिन है। अलग हुआ तो क्या हुआ? उन्हें अलग अलग मारने का मौका मिलेगा चाचू। चाचू जब तू उन्हें मारेगा साले, तू जब राम कलेक्टर ऑफिस से जा रहा था तब तो तू उसे मार नहीं सका। जब रघु सबको फिर दिखाने ले गया और अकेला राणा घर में था उस वक्त वहां से लाशें लेकर लौटा था ना। ए क्या हुआ रे? ऐसे ही ना तुम्हारे शरीर में चुड़ैल घुस गई हो ऐसा लग रहा था। होली रंगोली हे, मार दूंगा मैं तुम लोगों को, खत्म कर दूंगा तुम लोगों को। प्रताप देखा, ये तो समझदार हो गया है। देवेंद्रिय प्रतिष्ठति मांगल्य धारण मुहूर्तोस्तु सुमुहूर्तोस्तु। ये सच है कि मैं आपको मारने आया था, पर एक बात बताऊं, मेरा प्यार सच्चा है। मुझे आपने मौत के मुंह से बचाया, एक जानवर को आपने इंसान बनाया है। मैं जानता हूं आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं रघु, झुकना तो ईश्वर के सामने चाहिए, मुझे ऐसे इंसानों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। भाई तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ो, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पापी मत बनाओ। राम, संध्या, अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या मजाक है? तुम दिन ब दिन शरारती होती जा रही हो, सात फेरे लेकर तुम्हें बंधन में बांधना पड़ेगा। शादी में अभी वक्त है, इतना इंतजार नहीं होगा। तुम्हें बांध कर रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रैम्स, एक काम करती हूँ, टेम्परेरली मैं तुम्हें ये चेन पहना देती हूँ। अरे क्या है ये? मंगल सूत्र है, हमारी शादी की रिहर्सल कर ही लेते हैं। ओहो, जानती हो मंगल सूत्र क्यों पहनते हैं? अरे मालूम है रैम्स। अच्छा सुनो, पता है इस मंगल सूत्र से सात जन्मों के रिश्ते बन जाते हैं। हम एक दूजे के लिए बने हैं, उस बात की निशानी है ये। अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो खोल कर देख लो। अरे रे वाह, तुम तो सब जानती हो, देखने दो मुझे। अच्छा अब बताओ पत्नी कौन है, तुम या मैं? पति की छोड़ो, यहाँ तुम्हारा बॉस आया है। जितना तुम्हारा दिल करे शूट करो, वैसे भी हम दोनों की सगाई हो चुकी है, नो प्रॉब्लम। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सज। अरे ये क्या है? मैंने तुमसे मेहनत करने को कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम के चक्कर में अपनी बीवी को ही भूल जाओ। शाम को जल्दी वापस आना। जी भाई साहब। अरे गौरी, ये क्या कर रही हो? आपका दिल बहुत बड़ा है साहब, बहुत महान है आप। वहां क्यों
आप आइए, अंदर आइए, मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। मेरा घर नहीं, हमारा घर कहो, हमारी रिश्तेदार है। अरे बाप रे, ध्यान ही नहीं रहा, बुरा मत मानना। आइए हमारा घर दिखाती हूँ, आइए। ये बैठक वाला कमरा है, ये है खाने का कमरा। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। तब तक आप ये सेब खा लीजिए। हाँ अरे रे 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 रे। तुम्हें देखने का दिल किया तो चली आई। अच्छा, तुम्हारा दिल नहीं करता मुझसे मिलने को? ठीक है, एक काम करोगे, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस लौटा दो। भूल गई ना उसे? थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी हर बात भूल चुके हो। तुम एक अच्छे पति बन चुके हो रैम्स। हमारा खाना बन गया है जी, परोस दूं? रुकिए 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 रुकिए, ये बैंगन की सब्जी मैं शादी से पहले अक्सर बनाया करती थी। ये भिंडी की सब्जी भाभी को ना बहुत पसंद है। बड़े भैया ये करेले की सब्जी शौक से खाते हैं। और ये जो हमारा मीठा वाला हलवा है ना, ये हमारे पति बहुत शौक से खाते हैं। ये क्या बोल दिया? नहीं, गलती हो गई, ये हमारे पति नहीं, मेरे पति हैं। हाय रैम्स, जिस दिन तुम्हारी शादी गौरी से हुई थी, मैंने कहा था मैं तुम्हें धीरे धीरे भुला दूंगी, पर तुम्हें भुलाना नामुमकिन है रैम्स, क्योंकि क्योंकि बहुत पहले से मैं तुम्हारी परछाई बन चुकी हूँ रैम्स। रैम्स, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें भुलाने की कोशिश करने पर भी मैं भुला नहीं पाती। अपने दिमाग को तो कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन अपने दिल को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाती। रैम्स, मुझ पर एक एहसान कर दो, करोगे ना? बोलो। मुझसे शादी करोगे रैम्स? दूसरी शादी रैम्स? सारी दुनिया के लोग मुझे रखेल कहेंगे, तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। एक तमन्ना है मेरी कि इस जन्म में मैं तुम्हारी हो पाऊं। मेरी ये तमन्ना पूरी कर दो, प्लीज इनकार मत करना रैम्स। तुम्हें रखेल बनाने की क्या जरूरत है संध्या? मैं तुमसे भी शादी करूंगा, पर उससे पहले मेरे और भैया के बारे में तुम्हें एक बात सुननी पड़ेगी।